आदि पुरुष मूवी होने वाली है रिलीज होने से ही पहले ब्लॉकबस्टर या फ्लॉप? क्या आदि पुरुष 5,000 करोड़ कमाएगी या 600 करोड़ भी डुबाएगी? तो खोलते हैं ये राज। इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए रोज ऐसे ही अपडेट्स जानने के लिए। प्रभास की मूवी आदि पुरुष जो कि रामायण पे बेस्ड है ये तो सभी जानते हैं, साथ ही रामायण के इतिहास के साथ छेड़छाड़ करने के लिए ये फिल्म लोगों की तरफ से क्रिटिसाइज भी हो चुकी है और मेकर्स ने मूवी में चेंजेस करने के लिए मूवी की रिलीज डेट को भी आगे बढ़ा दिया है। जी हां, आदि पुरुष अब 16 जून को रिलीज कर दी जाएगी। अब इसी बीच आदि पुरुष के मेकर्स फिल्म को ट्रेबेका फेस्टिवल में रिलीज करने जा रहे हैं। दरअसल ट्रेबेका एक ऐसा फेस्टिवल है जहां अलग अलग कंट्रीज की मूवीज को बड़े डायरेक्टर्स क्रिटिक के आगे रिलीज किया जाता है उनका और ऑडियंस का ओपिनियन जानने के लिए। जी हां, आदि पुरुष को 13 जून को ट्रेबेका फेस्टिवल में रिलीज कर दिया जाएगा, ठीक फिल्म के रिलीज के 3 दिन पहले। अब देखना ये होगा, ऐसी फिल्म जिसके टीजर को ऑडियंस ने बिल्कुल पसंद नहीं किया, टीजर पर 100 मिलियन व्यूज होने के बाद भी एक भी ऑडियंस को टीजर पसंद नहीं आया, उसके बावजूद भी फिल्म को इतने बड़े फेस्टिवल में रिलीज किया जा रहा है, इसके लिए मेकर्स की तो दाद देनी होगी। अब वहाँ की ऑडियंस और क्रिटिक को मूवी की VFX पसंद आते हैं तो मूवी रिलीज होने से पहले ही ब्लॉकबस्टर हो जाएगी, लेकिन वहाँ की ऑडियंस को मूवी के VFX अगर पसंद नहीं आए तो मूवी को फ्लॉप होने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि मूवी की रिलीज से पहले ही वहाँ की ऑडियंस के रिव्यू आ जाएंगे। तो आपको क्या लगता है कि आदि पुरुष 5,000 करोड़ कमाएगी या 600 करोड़ भी डुबाएगी? हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। डेली अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहें हिलियम ऑफिशियल।